सो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ट्रेन संख्या 12139 सेवाग्राम एक्सप्रेस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि गाड़ी के चलने की टाइमिंग क्या है, गाड़ी कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है और किस क्लास में आप टिकट लेंगे तो कितना किराया लगेगा, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। साथ ही में दोस्तों अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। दोस्तों इस गाड़ी की डिटेल्स की हम बात करें तो ट्रेन संख्या 12139 सेवाग्राम एक्सप्रेस, ये ट्रेन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से नागपुर के लिए चलाई जाती है और इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ट्रेन सप्ताह में पूरे दिन चलती है, आप जिस दिन चाहें इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों ये गाड़ी अपने रूट की एक एवरेज गाड़ी है और इस गाड़ी की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन दिन में 2:55 पे मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रवाना होती है और अपने सफर को तय करते हुए ये गाड़ी 4:55 पे नागपुर में आपको पहुंचा देती है। अपने यात्रा के दौरान दोस्तों ये गाड़ी 27 स्टेशनों पे ठहराव लेती है जिसमें नागपुर और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस शामिल है। दोस्तों ये ट्रेन टोटल 837 किलोमीटर की दूरी तय करती है जो कि 14 घंटा 50 मिनट में ये ट्रेन अपने सफर को तय कर लेती है। इस गाड़ी की अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये ट्रेन तकरीबन 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जाती है। गाड़ी में दोस्तों अगर हम कोचा की बात करें तो टोटल इस ट्रेन में 22 कोच दिए जाते हैं जिसमें आपको 2 सीटिंग के 5 कोच दिए जाते हैं, स्लीपर के 12 कोच दिए जाते हैं, 3 टीयर के 5 कोच दिए जाते हैं और 2 टीयर के 1 कोच दिए जाते हैं। कुल इस तरह मिला के इस ट्रेन में 22 कोच होते हैं। इस गाड़ी में फर्स्ट एसी की सुविधा नहीं दी जाती है। ट्रेन में अगर कोटा की हम बात करें तो सभी प्रकार के कोटा उपलब्ध हैं। आप जिस कोटे के तहत टिकट लेना चाहें टिकट ले सकते हैं। आप जनरल, तत्काल, सीनियर सिटीजन, लेडीज, दिव्यांग सभी कोटा के तहत टिकट ले सकते हैं। गाड़ी में दोस्तों पैंट्री कार की सुविधा उपलब्ध नहीं है और यहाँ पे ट्रेन में अगर हम किराया की बात करें तो आप टिकट लेते हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से नागपुर के लिए इस ट्रेन में तो 2 सीटिंग में 270 रुपए, स्लीपर में 460 रुपए, 3 टीयर में 1210 रुपए और 2 टीयर में 1710 रुपए का किराया आपको देना होगा। दोस्तों इस ट्रेन के जो 27 स्टॉप दिए जाते हैं उन सभी स्टेशनों की जानकारी मैं आपको टाइम के साथ में दूंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही में अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस गाड़ी के स्टॉप की डिटेल्स को। दोस्तों ट्रेन संख्या 12139 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दिन में 2:55 पे रवाना होती है और यहाँ से निकलने के बाद इस ट्रेन का 2 नंबर स्टॉप दे दिया जाता है दादर सेंट्रल। दादर में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है दोस्तों 3:07 और यहाँ पे ये ट्रेन 3 मिनट के लिए ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे ये ट्रेन दादर में लगाई जाती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है थान है, गाड़ी की टाइमिंग होती है 3:28, यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे ये ट्रेन थाने में भी लगाई जाती है और फिर अपने सफर के लिए रवाना हो जाती है तो पहुँचती है कल्याण। कल्याण में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है दिन में 3:52 और यहाँ पे ये गाड़ी 3 मिनट के लिए ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे इस ट्रेन को लगाया जाता है और गाड़ी यहाँ तक 51 किलोमीटर की दूरी 4 स्टेशनों के बीच में क्रॉस कर जाती है। जब ये ट्रेन कल्याण जंक्शन से रवाना होती है तो पहुँचती है दोस्तों कसारा। इस गाड़ी की टाइमिंग होती है कसारा में शाम 5:03, यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे ये ट्रेन कसारा में लगाई जाती है और फिर पहुँचती है इगतपुरी। इगतपुरी में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 5:35 और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे ये ट्रेन इगतपुरी में लगाई जाती है। इगतपुरी के बाद दोस्तों इस ट्रेन का 7 नंबर स्टॉप आता है देवलाली। गाड़ी की टाइमिंग होती है शाम 6:15 और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे ये ट्रेन देवलाली में लगाई जाती है। तो दोस्तों ये ट्रेन 7 स्टेशनों के बीच में 178 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है और फिर पहुँचती है नासिक रोड। नासिक रोड में गाड़ी की टाइमिंग होती है शाम 6:25, यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे लगाई जाती है और देवलाली से नासिक रोड का जो दूरी होता है ये ट्रेन 8-10 मिनट में तय कर लेती है। जब ये ट्रेन नासिक से रवाना होती है तो पहुँचती है दोस्तों ये ट्रेन निफाड़। गाड़ी की टाइमिंग होती है शाम 6:58 और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे ये ट्रेन यहाँ पे लगाई जाती है और यहाँ पे ये ट्रेन कुछ ट्रेनों को क्रॉसिंग भी देती है और यहाँ से ये ट्रेन अपने सफर के लिए रवाना होती है तो पहुँचती है लासनगांव। गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है शाम को 7:18, यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है फिर पहुँचती है मनमाड़।
गाड़ी की टाइमिंग होती है शाम 7:43। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे ये ट्रेन लगाई जाती है। यहाँ पे ये ट्रेन कुछ ट्रेनों को क्रॉसिंग भी देती है, तब अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। तो पहुँचती है नागदा गाँव। नागदा गाँव में ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है 8:08 रात में। यहाँ पे ये ट्रेन दोस्तों 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है और इस ट्रेन का 12 नंबर यहाँ पे स्टॉप दिया जाता है। गाड़ी 282 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब ये ट्रेन नागदा गांव से रवाना होती है तो पहुँचती है 40 गांव 8:38 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे लगाई जाती है और फिर ये ट्रेन अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। तो पचोरा जंक्शन दोस्तों, 40 गांव और पचोरा जंक्शन के बीच में 4 स्टॉप आते हैं, लेकिन ये ट्रेन ठहराव नहीं लेती है। ट्रेन ठहराव लेती है पचोरा जंक्शन में। गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 9:08। यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। तो पहुँचती है जलगांव। गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 9:48। यहाँ पे ये ट्रेन दोस्तों 2 मिनट ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे लगाई जाती है और फिर ये ट्रेन पहुँचती है भुसावल। गाड़ी की टाइमिंग होती है 10:20। भुसावल में ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे लगाई जाती है। यहाँ पे ये ट्रेन 4 मिनट के लिए ठहराव लेती है। यहाँ पे ये ट्रेन 2 ट्रेनों को क्रॉसिंग देने के बाद अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। तो पहुँचती है मलकापुर। गाड़ी की टाइमिंग होती है 11:13। यहाँ पे ये ट्रेन दोस्तों 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे ये ट्रेन यहाँ पे लगाई जाती है। मलकापुर के बाद दोस्तों इस ट्रेन का स्टेशन अगला आता है नंदूबार। गाड़ी की टाइमिंग होती है 11:38। यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे लगाई जाती है और इसके बाद इस ट्रेन का दोस्तों अगला स्टेशन आता है सेवा गांव। गाड़ी 12:08 पे पहुँचती है। यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है और दोस्तों यहाँ से इस ट्रेन को दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गाड़ी की टाइमिंग होती है 12:08। ट्रेन जब यहाँ से निकलती है तो पहुँचती है वकोला जंक्शन। गाड़ी 1:05 पे पहुँचती है। यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। तो पहुँचती है मुर्तजापुर। गाड़ी की टाइमिंग होती है 1:43। ट्रेन यहाँ पे दोस्तों 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है। यहाँ पे ट्रेन कुछ ट्रेनों को क्रॉसिंग भी देती है और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। तो इस ट्रेन का अगला स्टॉप दिया जाता है दोस्तों बाडम डेरा जंक्शन। गाड़ी की टाइमिंग होती है 2:35। यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है और यहाँ तक ये गाड़ी 663 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। जब ये ट्रेन यहाँ से निकलती है तो पहुँचती है चांदूर। 3:01 पे गाड़ी पहुँचती है। 1 मिनट के लिए ठहराव लेती है, फिर पहुँचती है अपने अगले स्टॉप पे धाम मान गाँव। गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 3:14। यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है। फिर इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है पुलगांव जंक्शन। गाड़ी 3:31 पे रात में यहाँ पे पहुँचती है। 1 मिनट ठहराव लेती है, फिर पहुँचती है वर्धा जंक्शन। गाड़ी 3:50 को पहुँचती है। 5 मिनट ठहराव लेती है। यहाँ पे ये ट्रेन कुछ ट्रेनों को क्रॉसिंग देती है और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। तो पहुँचती है सिंधी। सिंधी दोस्तों इस ट्रेन का टाइमिंग हो जाती है 4:20 और यहाँ पे ये ट्रेन दोस्तों केवल 1 मिनट के लिए ठहराव लेती है, फिर अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। तो पहुँचती है अजनी। अजनी दोस्तों इस ट्रेन का 26 नंबर स्टॉप दिया जाता है। गाड़ी 4:55 पे पहुँचती है। यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है और अजनी आते आते दोस्तों इस ट्रेन से तकरीबन 70% यात्री उतर गए होते हैं। इस ट्रेन का अगला स्टॉप होने वाला होता है नागपुर और गाड़ी 5:45 पे नागपुर में पहुँच जाती है। तो दोस्तों इस तरह से ये ट्रेन 837 किलोमीटर की दूरी 14:50 में तय कर लेती है। जिस तरह हमने दोस्तों ट्रेन संख्या 12139 सेवाग्राम एक्सप्रेस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दिया है, अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।